हेलो, गुड मॉर्निंग हाय डियर स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ, चैप्टर फाइव, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। चैप्टर फाइव में एक्सरसाइज 5.2 के हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। आज टुडे नेक्स्ट क्वेश्चन 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, फाइंड आउट दी क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड आउट दी हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट दी हाईएस्ट नंबर which can actually divide this is 45 and 75। क्वेश्चन फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर विच कैन एक्चुअली डिवाइड करना है 45 एंड 75। हमको हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है कि किससे, कॉमन फैक्टर से। तो देखिए सॉल्व किस मेथड से करना है, डिवाइड 45 एंड 75 का हाईएस्ट नंबर। तो मतलब क्या फाइंड कर रहे हैं हम, HCF क्या फाइंड करोगे, एच सी एफ। तो देखिए अगर हम 75 कौन से नंबर ग्रेटर को 45 से डिवाइड करें, तो 45 से किसको डिवाइड करें, 75 को, तो 45 बन जा 45। नेक्स्ट डैश कीजिए 03। अगर हम 30 क्या है मेरे पास रिमाइंडर, 30 से किसको डिवाइड करें 45 को, किसको डिवाइड करेंगे 45 को, तो 30 बन जा 35। और जब तक कंप्लीट करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए 0। 15 रिमाइंडर क्या है अपने पास, 15 जब तक क्या 45 में 30 क्या है 15। अगर 15 को हम डिवाइड करें, 15 को डिवाइड किसे, 15 15 से 30 को डिवाइड करेंगे, 15 टू जा 30, रिमाइंडर क्या है 0 0। तो HCF ऑफ हाईएस्ट फैक्टर्स, HCF 45 एंड 75 इक्वल क्या आएगा 15, क्या आएगा 15। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड आउट दी हाईएस्ट नंबर विच कैन एक्चुअली डिवाइड करना है हमको, तो 45 एंड 75। तो 45 एंड 75 का क्या फाइंड करना है हमको, HCF। तो HCF किस मेथड से, डिवाइड मेथड से। तो 45 एंड 75 का HCF फाइंड कर रहे हैं, तो 75 को डिवाइड किससे किया 45 से, तो 45 बन जा 45। 75 में से 45 लेस किया क्या है अपने पास 30। अब 30 से डिवाइड किसे करेंगे 45 को, तो 45 को 30 से डिवाइड किया वन टाइम, क्या रिमाइंडर आया 15। 15 से डिवाइड करेंगे 30 को, 50 टू जा 30। तो किसने से कंप्लीट हुआ 15 से, तो एट से 45 एंड 75 को क्या है अपने पास 15, क्या आया 15। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स
फाइंड आउट दी हाईएस्ट कॉमन, फाइंड आउट दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 61 ऑफ 1628 एंड 24. तो फाइंड आउट दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना हमको 1628 एंड 24. किस किस नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है 1628 एंड 24. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कीजिए. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स देखिए, फाइंड आउट दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 16, 28 एंड 24. तो ये 16 और 28 कीजिए इसको, 16, 28 एंड 24. तो सॉल्व फैक्टर्स ऑफ 16 किस मेथड से करना है, कॉमन लेकर, कॉमन फैक्टर्स से. तो पहले से क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 16 का फैक्टर्स क्या हुए, 1, 2, 4, 8, 16. फैक्टर्स ऑफ 28. तो 28 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1, 2, 7, 14 और 28. 1, 2, 7, 14 और 28. नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4. ये देखना भाई 24 किस किस नंबर से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है, 2 से, 3 से, 4 से, 6, 8, 12 और 24. क्लियर बेटे. और ये नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर्स. तो इनमें से कॉमन फैक्टर्स फाइंड कीजिए कि 1 कॉमन है और 2. फिर नेक्स्ट क्या आपके पास, 4. क्या 4 है, 8 और 16 क्या है अपने पास कॉमन फैक्टर्स, 1 एंड 2. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है किसका, 16, 28 एंड 24 का. 16, 28 एंड 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16, 28 एंड 24 का. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड कीजिए 16, 28 एंड 24 का क्या आंसर आएगा. देखिए क्या आएगा, सुना है अपने पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 16, 28 एंड 16, 28. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 16, 28 एंड 24 का. तो कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट नंबर क्या है, 2. तो 16 एंड 28 एंड 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होगा अपने पास, आंसर 2. क्या हुआ आंसर, 2. क्लियर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 8, 7 के बाद 8. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फाइंड आउट द, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15, 27 and 36। तो हमको फाइंड आउट दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है किसका, 15, 27 and 36। सॉल्व क्या करो भी, फैक्टर्स ऑफ 15, 15 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5। 1 से डिवाइड होगा 15, 3 से डिवाइड होगा 15 और 5 से फैक्टर्स ऑफ 27 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1, 3, 9 और 27 कौन होंगे, 1, 3, 9 और 27 फैक्टर्स ऑफ 36 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा 36, 3 से, 4 से क्या, 5 से, नो, 6 से, 7, 8 से, नो, 9 से, 12 से, 9 से, 12 से, 18 और 36 इसके संदर्भ में डिवाइड होगा 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। तो सो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से नंबर आए इसमें, क्या फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स है कि 1 और 3, क्या 5 आ रहा है कॉमन, नो, तो क्या है 1 एंड 3। तो हाई देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स किसके, 15, 27 and 36 कौन कौन से होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होगा, 3। यह आंसर क्या आंसर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 15, 27 and 36 का क्या होगा, 3। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 2 milk containers filled with 20 liter and 30 liter of milk
मिल्क ऑफ मिल्क एक्सपेक्टिवली what will be the greatest measurement measurement of a container that can measure total milk that can measure total milk of both container externally तो क्या कह रहा है टू मिल्क कंटेनर्स फिल्ड विद हमारे पास कितने कंटेनर्स हैं टू विद 20 लीटर एंड 30 लीटर कितने तक है 20 लीटर एंड 30 लीटर ऑफ मिल्क रेस्ट और उनमें कितने लीटर आता है 20 एंड 30 लीटर ऑफ मिल्क रेस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट मेजर फाइंड करना है मैं ऑफ कंटेनर डेट कैन मेजर ऑफ टोटल मिल्क ऑफ बोथ कंटेनर एक्सटेंड तो टोटल हमको ग्रेटेस्ट मेजरमेंट फाइंड करना है टोटल फाइंड करना था क्या करोगे अगर हमको टोटल फाइंड करना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 एंड 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होगा 1 क्या फाइंड करना है हाईएस्ट ग्रेटेस्ट मेजरमेंट फाइंड करना है क्या फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स देखिए सॉल्व फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे 1, 2, 4, 5, 10, 20 द फैक्टर्स ऑफ 30 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 द ग्रेटेस्ट मेजरमेंट फाइंड करना है द कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से नंबर हुए हमारे पास सो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से 1, 2, 5, 10 तो डियर फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 20 एंड 30 का क्या होगा बेटे 10 तो क्या कह रहा है मैं ऑफ ए कंटेनर डेट कैन मेजर टोटल मिल्क कितना जाएगा उसमें 10 लीटर एक मिनट कैपेसिटी उसकी तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी कौन सी है 5.3 तो नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है हमारे पास 5.3
नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 में अभी तक हमने 5.2 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड किया था, किस मेथड से? फैक्टर्स मेथड से। लेकिन अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे, लेकिन किस मेथड से? एचसीएफ। तो देखिए, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमको एचसीएफ फाइंड करना, अभी तक हमने फैक्टर्स मेथड से एचसीएफ फाइंड किए थे। तो देखिए, हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ फाइंड करना है। एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द एचसीएफ, क्या फाइंड करना है? एचसीएफ ऑफ 9 and 27, 9 and 27, किस किस के? 9 and 27 के, विद द हेल्प मल्टीप्लिकेशन टेबल, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्शन टेबल से क्या फाइंड करना हमको? एचसीएफ। तो देखिए, फाइंड द हाईएस्ट 9 and 27 क्या फाइंड करना हमको? एचसीएफ मल्टीप्लेक्शन टेबल। तो मल्टीप्लेक्शन टेबल क्या होती है, देखिए सबसे सॉल्व करते हैं इनकी मल्टीप्लेक्शन टेबल। 9 and 27 की मल्टीप्लेक्शन टेबल करते हैं, वी फाइंड बॉथ 9 and 27। क्या क्या है अपने पास? बॉथ नंबर है 9 and 27। ओनली इन मल्टीप्लेक्शन टेबल्स। एंड 9, किस किस की मल्टीप्लेक्शन में आते हैं ये 9 और 27? 3 and 9 बिटवीन Between 3 and 9, between 9 is greater, 9 is greater, 9 is greater, 3 and 9 में से कौन सा greater है? 9। तो HCF फाइंड करना था, तो HCF 9 and 27 का एचसीएफ क्या होगा? 9। जवाब, ये तो हमको मल्टीप्लेक्शन से फाइंड करवा रहा था, अगर हमको इससे मल्टीप्लेक्शन से। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखिए इसी का, जो टाइप आएगी इसी के हिसाब से करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 and 24, किस किस के? 18 and 24 बाय By listing the factors of the factors of
of day 2. देखिए फैक्टर्स करने हैं हमको, क्या करा फाइंड दी एसएफ फाइंड करना है 18 एंड 24 को बाय लीसिंग किससे दी फैक्टर्स मेथड से, किससे करना है फैक्टर्स मेथड से सॉल्व। तो फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। तो फैक्टर्स ऑफ इसके 24 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, कौन कौन से 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो क्या फाइंड करना हमको, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है आपके पास, कॉमन फैक्टर्स 1 है 2 है 3 1 2 3 6, कौन कौन से नंबर आए 1 2 3 6। तो एचसीएफ फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देयरफॉर एचसीएफ 18 and 24 इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 6, क्या आएगा आंसर 6, यवर आंसर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या आएगा उसका एचसीएफ क्या आएगा 18 and 24 का 6। तो एग्जांपल नंबर सेकंड आपका कंप्लीट, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल नंबर 3 से, टेक केयर, थैंक यू।